भागलपुर नौगछिया खरी थाना क्षेत्र के तुलसीपुर में विधवा महिला बेचनी देवी उम्र 23 वर्ष पति स्वर्गीय विनय कापरी को ससुराल वालों ने करीब 2 वर्षीय दूधमुही बच्ची मनीषा कुमारी के साथ केरोसिन छींटकर जिंदा जला दिया, जिसमें बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला को गंभीर स्थिति में इलाज के लिए खरी PHC लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मायागंज रेफर कर दिया। चिकित्सकों के अनुसार महिला 80% तक जल चुकी है। महिला का इलाज कहां हो रहा है इस बात की स्पष्ट जानकारी अभी नहीं मिली है, जिसको पुलिस भी पता लगाने में जुटी हुई है। ये घटना रविवार की सुबह 11 बजे की बताई जा रही है, किंतु लोगों को घटना की भनक तब लगी जब महिला के मायके वाले रविवार की शाम खरी थाना पहुंचे, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई एवं तुलसीपुर पहुंची, जहां घर के सभी सदस्य फरार थे। कमरे से केरोसिन की दुर्गंध आ रही थी। वहीं पड़ोस के यहां छिपी बच्ची की दादी जयमाला देवी उम्र 60 वर्ष को पुलिस हिरासत में ले ली है। वहीं बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नौगछिया भेज दिया गया है। महिला को एक पुत्र और एक पुत्री भी है, जिसमें पुत्र ननिहाल में रहता है जबकि पुत्री माँ के साथ रहती है। मायके वालों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि ससुराल वाले पूरी तैयारी के साथ महिला एवं उसकी बच्ची को आग लगाकर जिंदा जलाने के प्रयास में थे, किंतु घटना को दुर्घटना का रूप देने एवं अपने कुकृत्य को छिपाने के लिए अंतिम स्थिति में लोगों को दिखाने के लिए इलाज के लिए PHC लेकर के गए। जबकि उन्होंने बताया कि पूर्व में भी मेरी बेटी को ये लोग काफी प्रताड़ित किया करते थे, जिसको लेकर कई बार ससुराल वालों को समझाया बुझाया भी गया, किंतु ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और अंततः बड़ी घटना को अंजाम दे ही दिया। वहीं पड़ोस के लोगों ने बताया कि इसके यहाँ रोज आपसी विवाद होते रहते थे। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि महिला के पति ने बेचनी देवी से दूसरी शादी की, जबकि पहली पत्नी को भी जहर खिलाकर इन लोगों ने मार डाला था, जिसके बाद बेचनी देवी से दूसरी शादी की। शादी के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा। इसके बाद करीब 2.5 साल पूर्व इनके पति विनय की भी गंभीर बीमारी से मौत हो गई, जिसके बाद सास गोदनी देवर समेत सभी ससुराल वालों ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। महिला 5 गोदनी है, जिसमें महिला सबसे बड़ी है। वहीं पुलिसिया हिरासत में घायल महिला की सास ने बताया कि महिला ने खुद आग लगाई है, किंतु सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि महिला के ससुराल वालों ने पुलिस को इसकी सूचना क्यों नहीं दी और घर से सभी सदस्य क्यों फरार हैं। थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि महिला की सास जयमाला देवी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं विधवा महिला बेचनी देवी की इलाज के ही दौरान मायागंज अस्पताल में मौत हो गई है। घर वाले पूरे परिवार मिल के इसको बांध के इसको घर में करासन तेल छींट के माँ और बच्ची, 2 साल का बच्ची है, लड़की थी और माँ, दोनों को जला दिया और जला के जो है निपटा करके लाश को यहाँ मायागंज में दे दिया गया। और मायागंज में भी लाश छोड़ के वो सब भाग गया। हम लोगों को कल दिन भर खोजे, नहीं मिला। आज हम लोगों को पता चला, सुबह हम लोग यहाँ आए तो लाश मिला। कल बच्ची का लाश मिला था, आज माँ का लाश मिला। सर, बच्ची का लाश तुलसीपुर में ही मिला, उसके दादी के पास। दादी लेके भाग रही थी जो हम लोग दबोच के पकड़े सर। इनका मायागंज, इसको मायागंज में पकड़े सर, पाए हैं। इनका नाम क्या है? इसका नाम है सर बेचनी देवी और बेटी का नाम है चांदनी देवी, अथी मनीषा देवी। रहने वाले कहाँ? रहने वाले तुलसीपुर का है सर, तुलसीपुर। आपका परिचय? मेरा सर घर हुआ नौगछिया मिलकी। आप कौन लगते हैं? भाई लगते हैं सर। मेरा भाई मेरा भाई।